अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और एंग्लर्स, आज जो है वो एक मैं प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज़ करने जा रहा हूँ। इसके पीछे जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। सबसे पहले जल्दी से शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। वजह ये है कि पाकिस्तान में या कराची में जिस लेवल की फ़िशिंग होती है वो कोई बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के करीब नहीं है, और ना ही हम बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फ़िशिंग करते हैं और ना ही कोई बहुत ज़्यादा उसको इन्जॉय कर पाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास सही फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और अच्छी बोट्स उस तरीके की अवेलेबल नहीं है जिस तरह की इंटरनेशनल लेवल पर फ़िशिंग होती है। तो ये प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इन प्रोडक्ट से इनको यूज़ करते हुए हम अपनी फ़िशिंग को इम्प्रूव कर सकें या फ़िशिंग का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल तो वो उसको इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि जब हम यहाँ फ़िशिंग पे आते हैं इस वक्त, या जेटी वगैरह कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से बनी हुई नहीं है जिसमें हम साफ़ सुथरे आएँ और बोट में बैठ जाएँ, कमर तक पानी में पहले आना पड़ता है, उसके बाद बोट में चढ़ते हैं और फिर बोट में बैठते हैं, इसी तरीके से वापस जाना पड़ता है। बोट जो हमारी होती है वो भी लकड़ी की होती है ज़्यादातर, तो इस तरह की फ़ाइबर बोट्स जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल हैं वो यहाँ नहीं होती, और अगर हैं तो बहुत लिमिटेड हैं और उसकी कॉस्ट एक मिडिल क्लास बंदा तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक सेलेक्टेड एलीट क्लास है जिसके लिए वो एक्टिविटी है और वही उन फिशिंग इक्विपमेंट्स को और उन बोट्स को जो है वो इंजॉय करती है। आज की प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज़ में दो छोटी छोटी सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैं रिव्यू कर रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ क्या है। भाई ये एक छोटी सी जो है वो हमारी चेयर है, और ये चेयर बड़ी यूज़फुल है। यूज़फुल कैसे है कि फ़िशिंग पे जब आप जाते हैं ज़्यादातर लकड़ी की बोट्स हैं या तो सुनहरा से ढूंढे हैं फाइबर के, बैठने का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, टेक लगाने की जगह नहीं होती, बंदा दो दिन तक ना कमर के दर्द को लेके बैठा रहता है जब वो फ़िशिंग से वापस जाता है। तो आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये किस तरह की चीज़ है, आखिर में ये भी बता दूंगा मैंने कहाँ से ली, कितने की ली। तो भाई ये सिंपल सी जो है वो एक फोल्डेबल जो है वो सीट है, इसको हुर्फे आम में फर्शी कुर्सी भी कहते हैं। अब ये देखें, ये पूरी कुर्सी बन गई और इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि ये दो कुंडे हैं, इस कुंडे में जो है वो पाइप हमने फिक्स करना है इस तरीके से। और ये हमारी चेयर हमारी रेडी हो गई है। आप जो है इसमें प्रॉपर तरीके से टेक लगा सकते हैं और अपनी फ़िशिंग को जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट जो आज की हमारी है वो एक अदद ये स्लीपिंग बैग है। स्लीपिंग बैग आपको दिखा देता हूँ। आज हमारे कैमरा मैन जो है वो समीर भाई हैं, वैसे तो आकिब रसूल भाई होते हैं, आज वो छुट्टी में, उनकी जगह समीर भाई। तो भाई ये छोटा सा स्लीपिंग बैग है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें, नॉर्मल हर जगह से मिल जाता है। मैंने ये यूज़ में ख़रीदा है, प्राइस वगैरह सब कुछ एंड में बताता हूँ। इस स्लीपिंग बैग का फ़ायदा ये है कि बोट क्योंकि लकड़ी की होती है बैठने में आपको परेशानी होती है, आप इसको फोल्ड करके बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। और जिस तरह इस वक्त नाइट बॉटम का जो है वो सीज़न चल रहा है, तो नाइट बॉटम के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि समंदर में सबसे ज़्यादा होती है ओस, तो ओस से बचाने के लिए ये परफेक्ट चीज़ है क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है और आप इसके अंदर सुकून से जाएं अगर रात में जो है वो ओस ज़्यादा है, वेदर अच्छा नहीं है, शिकार नहीं हो रहा, सुकून से इसके अंदर सो जाएं। अब चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो भाई ये स्लीपिंग बैग और ये चेयर, ये दोनों जो है वो मैंने 3500 रुपये में ख़रीदी हैं, और कहाँ से ख़रीदी हैं उसकी लोकेशन है कराची आयशा मंजिल मदनी मस्जिद। तो मदनी मस्जिद से ये दोनों प्रोडक्ट आसानी से मिल जाती हैं। स्लीपिंग बैग ये यूज्ड है, चेयर ये न्यू है, और कंपनी गालबन इसकी मुझे जो है वो इस वक्त पता नहीं है, शायद जुफला कंपनी की जो है ये है, इसकी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अपने फ़िशिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है ना ये दोनों प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहें और आराम से अपनी फ़िशिंग को करना चाहें। वैसे ये चेयर मैंने अपने वाले साहब के लिए लिए, आपने अक्सर देखा ही होगा कि वो मेरे साथ फ़िशिंग पे जाते हैं, उनकी कमर में अक्सर फ़िशिंग से वापस आने के बाद दर्द हो जाता है, तो ये उसका तो तोड़ हमने निकाल लिया है। स्लीपिंग बैग मैंने अपने लिए लिया है, और इन दोनों प्रोडक्ट का रिव्यू मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई मैंने इन दोनों कंपनीज से जहाँ से लिया है या जिस दुकान से लिया, कोई पैसे मैंने नहीं लिए। ये रिव्यू सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप अपनी फ़िशिंग को इम्प्रूव करें कंफर्टेबल तरीके से और फ़िशिंग एक्सपीरियंस को इन्जॉय करें। फ़िशिंग एक जो है वो इन्जॉयमेंट होनी चाहिए, फ़िशिंग एक जहमत बन के नहीं खड़ी होनी चाहिए कि जब आप घर पर जाएँ तो हर जोड़ दिख रहा हो और उसके बाद दो दिन बंदा किसी काम के काबिल ना रहे। मेरे जैसा बंदा जो कि पूरा वक्त दिन का ऑफिस में गुजारता है और एक कंप्यूटर सीट पर हम लोग बैठे हुए दिन गुजारते हैं, उनके लिए लकड़ी की बोट में फ़िशिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उसका भाई ये सोल्यूशन आ चुका है। आप ख़रीदना चाहें, मैंने आपको बता दिया कि आयशा मंजिल पे बहुत सारी दुकानें हैं, मदनी मस्जिद के सामने जिस भी दुकान से जाएं ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी बहुत आसानी से। टोटल मेरा खर्चा 3500 रुपये हुआ है, तो आपने ये प्राइस रेंज जहन में रखनी है। 3000 रुपये के करीब ये कुर्सी है,
₹500 का जो है वो ये स्लीपिंग बैग है, आप चाहें तो ले सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, और कोशिश ये रहेगी कि फ़िशिंग एक्सपीरियंस को जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस करें और कम्फर्टेबल तरीके से, अच्छे तरीके से जो है ना फ़िशिंग हो सके, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी चीज़ हो। इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक्सेसरीज़ की करूँगा, हो सकता है कि मैं किसी रिव्यू में जो है रॉड रील का रिव्यू दे रहा हूँ, किसी बार जो है वो डोर और कांटों का रिव्यू दे रहा हूँ, जहाँ से मुझे जो चीज़ अच्छी मिली, ऐसी चीज़ जो कि आपके फ़िशिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सके, आपकी फ़िशिंग को इम्प्रूव कर सके, इंशाल्लाह इस सीरीज़ में आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा। और इसकी कोई फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगी, हो सकता है महीने में एक बार हो सकता है महीने में दो बार हो सकता है हफ्ते में दो बार हो, तो जैसे जैसे मुझे प्रोडक्ट मिलती गई ऐसी कि जो कि आपके फ़िशिंग एक्सपीरियंस को और फ़िशिंग को इम्प्रूव करेंगी, मैं उसका रिव्यू बना के आपके लिए देता रहूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनों के लोगों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज की प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज़ में दो छोटी सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैं रिव्यू कर रहा हूँ।